ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, अक्सर हमारे जहन में एक सवाल उठता है, बल्कि ये कहे कि कई सवाल उठते हैं बिल व पत्र को लेकर, जिनका जानना हम सोचते हैं सभी प्राणियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भगवान शिव पर विश्वास रखते हैं और उनको पूजा अर्पण करते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जिसका नाम है ओम नमः शिवाय। चलिए मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि बिल्व पत्र को कब ना तोड़ा जाए। लिंग पुराण में बिल्व पत्र को तोड़ने के लिए चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति, काल एवं सोमवार को निषिद्ध माना गया है। शिव या देवताओं को बिल्व पत्र प्रिय होने के कारण इसे समर्पित करने के लिए किसी भी दिन या काल जानने की आवश्यकता नहीं है। ये हमेशा उपयोग हेतु ग्राह्य है। जिस दिन तोड़ना निषिद्ध है, उस दिन चढ़ाने के लिए साधक को एक दिन पूर्व ही तोड़ लेना चाहिए। बिल्व पत्र कभी बासी नहीं होते, ये कभी अशुद्ध भी नहीं होते हैं। इन्हें एक बार प्रयोग करने के पश्चात दूसरी बार धोकर प्रयोग में लाने की भी स्कंद पुराण के इस श्लोक में आज्ञा है। अर्पितान्यपि बिल्वानि प्रक्षाल्यापि पुनः पुनः शंकरार्य अर्पणीयानि न नवानि यदि क्वाचित। अर्थात बिल्व पत्र के वही पत्र पूजार्थ उपयोगी है जिनके तीन पत्र या उससे अधिक पत्र एक साथ संलग्न हो। त्रिसंख्या से न्यून पत्ती वाला बिल्व पत्र पूजन योग्य नहीं होता है। प्रभु को अर्पित करने के पूर्व बिल्व पत्र की डंडी की गांठ तोड़ देना चाहिए। सारदीपिका के स्यु बिल्व पत्र मोधो मुखम के अनुसार बिल्व पत्र को नीचे की ओर मुख करने, यानी कि पत्र का चिकना भाग नीचे रहे, ऐसे ही चढ़ाना चाहिए। किसी भी पूजन या शिव पूजन में बिल्व पत्र का उपयोग अति आवश्यक एवं पापों का क्षय करने वाला होता है। यदि किसी कारणवश बिल्व पत्र उपलब्ध ना हो तो स्वर्ण, रजत, ताम्र के बिल्व पत्र बनाकर भी पूजन कर सकते हैं। यदि किसी संकल्प के निमित्त बिल्व पत्र चढ़ाना हो तो प्रतिदिन समान संख्या में या वृद्धि क्रम की संख्या में ही उपयोग करना चाहिए। अधिक संख्या के पश्चात न्यून संख्या में नहीं चढ़ाना चाहिए। पुराणों में उल्लेख है कि 10 स्वर्ण मुद्रा के दान के बराबर एक आग पुष्प के चढ़ाने से फल मिलता है। 1000 आग के फूल का फल एवं 1 कनेर के फूल के चढ़ाने का फल समान है। 1000 कनेर के पुष्प को चढ़ाने का फल एक बिल्व पत्र के चढ़ाने से मिल जाता है। इसके वृक्ष के दर्शन व स्पर्श से ही कई प्रकार के पापों का शमन हो जाता है। तो इस वृक्ष को कटाने अथवा तोड़ने या उखाड़ने से लगने वाले पाप से केवल ब्रह्मा ही बचा सकते हैं। अतः किसी भी स्थिति में इस वृक्ष को नष्ट होने से बचाने के लिए प्रयत्नशील रहना आध्यात्मिक एवं पर्यावरण दोनों की दृष्टि से लाभकारी है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं हुआ समाप्त। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने प्रियजनों और दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। और भी भगवान शिव से जुड़े रहस्यमय कहानी और तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और देखते रहिए ओम नमः शिवाय।